खडूर साहिब उपचुनाव के लिए थम गया प्रचार का शोर। 13 फरवरी को होगा मतदान, 16 फरवरी को आएगा रिजल्ट। पंजाब चुनाव आयोग की अपील, वोटिंग के लिए अपने पहचान पत्र साथ जरूर लाएं वोटर्स। खडूर साहिब में प्रचार के आखिरी दिन मोर्चा संभालने वाले सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर पर भी निशाना साधा, कहा तीर्थ यात्रा करें कैप्टन अमरिंदर। कैप्टन अमरिंदर का सुखबीर बादल पर बड़ा हमला, फरीदकोट पहुंचे कैप्टन ने कहा बादल को देंगे मुंह तोड़ जवाब। आप सांसद भगवंत मान के लिए कहा, उन्हें नहीं पता इनकलाब का मतलब। अकाली दल से कांग्रेस में शामिल हुए कुशलदीप ढिल्लों को लेकर कार्यकर्ताओं ने रोका कैप्टन का रास्ता। अमेरिका में सिखों को सम्मान देने के लिए कैप्टन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का किया शुक्रिया। अकाली बीजेपी के गठबंधन को सुखबीर बादल ने फिर बताया अटूट, बोले पुराने फॉर्मूले पर ही सीट बंटवारा। पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात झा और नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर बोले नो कमेंट। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला का पंजाब बीजेपी अकाली गठबंधन पर बयान, सीटों को लेकर नहीं है कोई मुद्दा। अकाली दल और बीजेपी हाईकमान सीटों के बंटवारे पर कर लेगा फैसला, हमारा गठबंधन था है और रहेगा। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी के शामिल होने पर ली चुटकी, कहा घुग्गी का आम आदमी पार्टी में शामिल होना मनोरंजन के लिए अच्छा है। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने सुखबीर बादल के घुग्गी के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर मनोरंजन वाले बयान पर किया पलटवार, कहा घुग्गी पार्टी के लिए काम के साथ अदाकारी भी करेंगे। पंजाब रो रहा है, अगर कोई हंसाने वाला आ जाए तो उसमें बुरा क्या। आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, पंजाब के सियासी हालातों पर की चर्चा। छोटेपुर ने कहा हर महीने दो चार दिन पंजाब में गुजारेंगे अरविंद केजरीवाल, लोगों की सुनेंगे समस्याएं। ऑड इवन पर भी बोले छोटेपुर, आपकी सरकार बनी तो पंजाब में भी लागू करेंगे ऑड इवन फॉर्मूला। बैंस ब्रदर्स की ओर से आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के बयान पर बोले सुच्चा सिंह छोटेपुर, कहा फिलहाल ऐसा कोई बात नहीं है, अगर बैंस भाई हमारे साथ करते हैं बातचीत तो किया जाएगा विचार। पंजाब सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात, पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर की चर्चा। चन्नी ने कहा चुनाव को लेकर बनाई जा रही है रणनीति, राहुल गांधी के लिए अहम है पंजाब चुनाव। पठानकोट हमले की साजिश के आरोप में मोगा से गिरफ्तार किया गया संदीप सन्नी नाम का शख्स, साजिद और इरशाद के संपर्क में था संदीप सन्नी। पठानकोट पुलिस ने संदीप सन्नी को जिला कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने भेजा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। एनएसजी चीफ का पठानकोट दौरा, पठानकोट हमले को एनएसजी चीफ आरसी तयाल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, भारतीय सेना के जवानों ने एसओपी के मुताबिक किया ऑपरेशन को अंजाम। एनएसजी चीफ बोले जरूरत हुई तो एसओपी को किया जाएगा चेंज। पठानकोट हमले के बाद जेपीसी ने किया पठानकोट एयरबेस का दौरा, जेपीसी की टीम ने भारत पाक बॉर्डर का भी दौरा किया। नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हुआ निधन, सियाचिन में 6 दिन तक बर्फ में दबे रहने के बाद दिल्ली लाए गए थे हनुमंत थप्पा। पीएम मोदी ने कहा हमें दुखी कर चले गए लांस नायक। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला ने लांस नायक हनुमंत थप्पा के निधन पर जताया शोक, कहा देश के महान सपूत से प्रेरणा लेगा देश, हनुमंत थप्पा के परिवार के साथ है सरकार। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी लांस नायक हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर चंद्रा ने ट्वीट कर लांस नायक के निधन पर संवेदनाएं प्रकट कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। लांस नायक हनुमंत थप्पा के निधन पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने लिखा कि हनुमंत थप्पा के निधन से गहरा दुख पहुंचा है, देश अनुकरणीय सेनानी को हमेशा याद रखेगा, परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं।
बठिंडा में बसंत पंचमी के अवसर पर 12 फरवरी को होने वाली पतंगबाजी के लिए लोगों में दिख रहा है खासा उत्साह। फिल्मी अभिनेताओं और सियासतदानों की तस्वीरों वाली पतंगों से सजे बाजार, हनी सिंह, कैटरीना कैफ, सलमान खान, वैलेंटाइन डे समेत कांग्रेस और अन्य सियासी पार्टियों के पतंगों की बाजार में भरमार, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वाली पतंग की है सबसे ज्यादा डिमांड। वैलेंटाइन डे से पहले लगा प्यार पर पहरा। अमृतसर में शिव सैनिकों ने वैलेंटाइन डे के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रेमी युगलों को शिव सैनिकों ने दी चेतावनी, अगर पश्चिमी सभ्यता को हिंदू संस्कृति पर हावी करने की गई कोशिश तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। हिसार में पीजी में रह रहे बीएससी के एक छात्र ने की खुदकुशी। भिवानी के श्याम कलान गांव का छात्र था हरविंद्र। पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। परिजनों को हत्या की आशंका, देर रात कुछ लड़कों से हुआ था हरविंद्र का झगड़ा। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर ने कबूला, शिमला में अभी भी आ रहा गंदा और दूषित पानी। बोले और भी लोग आ सकते हैं पीलिया की चपेट में। सरकारी जमीन आवंटन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। फैसले से 6,000 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, फैसले से खुश हैं कर्मचारी। पालमपुर के शहीद सौरभ वन विहार से ढांड के लिए रवाना हुई तिरंगा यात्रा। 19 मार्च को धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली T20 मैच का कर रहे हैं विरोध। चंबा में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4, लोगों में दहशत का माहौल। प्रशासन ने गठित की आपदा प्रबंधन टीम। हिमाचल और कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी। मेन मनाली में ही 3 से 4 सेंटीमीटर तक हुई बर्फबारी। डलहौजी में साल की दूसरी बर्फबारी से सैलानियों और पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर। तो सराज क्षेत्र में बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिले।